आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को आइलैंड से बाहर, नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए? मेरा नाम फरीदा है, मैं एनजीओ कोप फाउंडेशन की सेक्रेटरी कम डायरेक्टर हूँ। मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हूँ, कुछ बातें आपसे शेयर करना है। मेरे फील्ड वर्क के दौरान, मैं एज ए सोशल वर्कर, मेरे फील्ड वर्क के दौरान एक फैमिली से मेरी मुलाकात हुई। वो फैमिली मेरे साथ बैठी हुई है, आप ये बच्ची को देख रहे हैं। बच्ची का नाम योशिता है, उनकी मम्मी सुनीता, उनका फादर यहाँ पे खड़े हैं, उनके फादर का नाम है श्याम सुंदर, और ये जितने भी लेडीज यहाँ पे खड़े हैं उनके परिवार वाले और बस्ती वाले हैं। एक्चुअली बेटी का एज 3+ हो रहा है अभी। फील्ड विजिट के दौरान एज ए सोशल वर्कर, एक 3 महीना 4 महीना पहले इस फैमिली को पता चलता है कि बच्ची बात नहीं कर रही है। तो बहुत सारे बच्चे बात नहीं करते हैं, तो उनको ये लगता है, लगा कि बच्ची थोड़ा लेट बात करेगी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही वो बच्ची को आइडेंटिफाई करे कि बच्ची बात नहीं कर रही और ना ही उनको सुनाई दे रहा है। उनके सामने जितना भी शोर कर ले, बच्ची बिल्कुल भी सुन नहीं पा रही है। ये चीज़ इनको, ये खुद से आइडेंटिफाई किए, उसके बाद ये उनको जीवी पंत हॉस्पिटल लेके गए। जीवी पंत हॉस्पिटल से बच्ची का पूरी तरह से चेकअप किया गया। चेकअप करने के बाद में ये पता चला कि बच्ची टोटली डिफरेंट डम है, बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती है। ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, मतलब इतनी छोटी बच्ची और इतना बड़ा सदमा इनको लगा है कि ये बच्ची का बोल नहीं पाना और सुन नहीं पाना। डॉक्टर ने इसके लिए जो खर्चा बताया है बहुत ज़्यादा बताया है, और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट अंडमान में होगा भी नहीं, ये भी बताए हैं। अब ये फैमिली, श्याम सुंदर जी एक फिशरमैन है, फिशरमैन के तहत वो काम कर रहे हैं, डेली का रोजगार उनको आ रहा है, उनका खाना पीना। फिर भी वे बहुत तकलीफ उठाकर कहीं ना कहीं से पैसे के बंदोबस्त वो कर रहे हैं। बहुत ये फैमिली बहुत अप्रोच करने के बाद, मीडिया पर्सन को बोलने के बाद, आज यहाँ इनके लिए एज ए सोशल वर्कर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हूँ, ताकि मैं ये अपील करती हूँ हमारे अंडमान निकोबार के जितने भी भाई बहन जो भी है, मैं उनसे तहे दिल से अपील करती हूँ कि ये फैमिली के लिए, बच्चे का सर्जरी के लिए थोड़ा मदद इनको ज़रूर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं, ऊपर वाला उनको बहुत दिया है, और जो मदद नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो मदद कर सकते हैं प्लीज़ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इसमें और सामने आए। किसी का बेटी किसी के पैसे से अगर उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, भले ही हमारा पैसा अगर 500 रुपीज़ भी एक इंसान का अगर कमाई से 500 रुपया भी उस बच्ची के लिए लगता है, अगर वो उस बच्ची का चेकअप होकर पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, तो इसका जो पुण्य है हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम इसमें मदद में सामने आए। अभी ये सोच आपका भी होगा कि ऐसे तो बहुत सारे केसेस होगा अंडमान निकोबार में जो सामने नहीं आ रहा है, बहुत सारे परेशानी में लोग हैं जो पता नहीं चल रहा है। हाँ, वाकई में सच बात है कि बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं है कि लोगों को तकलीफ है, इशू है, प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं, जैसे ये फिशरमैन है, उनका आमदनी बहुत कम है, हवा तूफान अंडमान का मौसम के हिसाब से देख ले, बारिश मेहनत तकलीफ तो इशू तो अंडमान में बहुत परिवार में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे परिवार मिलेंगे। अगर हम फील्ड के दौरान हम जाते हैं तो बहुत सारे इश्यूज मिलते हैं, लेकिन ये इश्यूज मुझे इतनी प्यारी से एक मासूम सी बच्ची नज़र आई जो बाई बर्थ ही उनको ये प्रॉब्लम है और किसी को पता भी नहीं चला, फैमिली भी अवेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए। जब उनको पता चला तो बच्ची 3 साल क्रॉस कर चुकी है, अभी 3 इयर्स 5 मंथ की चल रही है, और डॉक्टर ने उनका खर्चा कम से कम 15 लाख तक का बताया है। हम पूरे ये तो नहीं बोल सकते कि हम ऐसे अपील करके ये 15 लाख कलेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ तो कोशिश करेंगे ताकि
ये मेहनत कर रहे हैं, ये फिशरमैन है। और आपको पता है अभी का जो अंडमान का सुनामी के बाद में जो मौसम है, अचानक तूफान, अचानक बारिश, मछुआरों का पानी में जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनका डेली रूटीन में दिक्कत आती है। ये सारी चीज़ों को हम सोचते हुए और देखते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों से जितना आपसे बन पड़ सकता है, अगर जो ज़्यादा दे सकता है, जो फैमिली वेल सेटल्ड है, अच्छे फैमिली है, अगर कुछ ज़्यादा दे सकते हैं तो उनको हेल्प करें। जो नहीं दे सकता कोई बात नहीं, अगर कुछ कम भी दे सकते हैं अपने तरफ से, 100-500 भी अगर बच्चे के लिए मदद कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, सागर बढ़ता है। तो ऐसे में अगर हम सोच के चले, एक बच्ची का अगर मेरे तरफ से 500 रुपीज भी लगा है और उस बच्ची का ट्रीटमेंट वो 500 में ऐड होकर होता है, तो इसका पुण्य हमको जरूर मिलेगा। ऊपर वाला हम सबके ऊपर में रहम किया है, हमारे बच्चे सही सलामत है, हम चाहते हैं कि ये बच्ची भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो हम कोशिश यही करेंगे कि कुछ ना कुछ हम इसके लिए करें, और कुछ ना कुछ हम इसको अपने जितने भी हैसियत के हिसाब से आगे बढ़कर हम मदद करें। ये तो अंडमान निकोबार की बात है, जो ये यूट्यूब चैनल देख रहा है, जो भी ये चैनल यहाँ का जो मीडिया है, वो बाहर के अंडमान और निकोबार छोड़ के जो बाहर भी देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, उन परिवार को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकता है, ताकि इस बच्ची का हेल्प हो सके, इस बच्ची का ट्रीटमेंट हो सके, ताकि किसी का पैसे से बच्ची बोलना और सुनना शुरू हो जाए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है। ये मेरी बेटी है योशिता। इसे दोनों कान सुनाई नहीं देता, जिसकी वजह से ये बात नहीं कर सकती। तो डॉक्टर्स को जब हम दिखाए थे तो बोले कि ये कम्प्लीटली डेफ है दोनों कान, तो उसके लिए कॉकलियर इम्प्लांट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ अंडमान में नहीं होता है, और उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है, करीब करीब 15 लाख तक लगेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रेस वाले और एनजीओ मैडम से बात करें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत हमें हेल्प हो सके। और हम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम मदद मांग रहे हैं कि जितना हो सके उतना मदद कीजिए, ताकि मेरी बेटी का ट्रीटमेंट हो जाए अच्छे से। धन्यवाद आपका दुआ से प्लीज, जो कुछ जितना हो सकता है आपसे उतनी मदद करिए। धन्यवाद। क्योंकि लास्ट में मेरी हस्बैंड का बैंक डिटेल्स है और स्कैनर भी है, फोन पे या पेटीएम नंबर 9679540750@ पेटीएम और गूगल पे।